नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूट्यूब. इसमें क्या है कि इस तरह की सिचुएशन है एक यूट्यूब है और इसमें दो डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड जो हैं वो फिल किए गए हैं. इमिसिबल हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, वो सेपरेटेड हैं, बट दो डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड फिल किए गए हैं इसके लिम्स में. और इस तरह की सिचुएशन है, मान लिया एक लिक्विड है वो इस लिम में फिल किया गया है इस तरह से, और वो यहां तक है. ये जो ब्लू कलर का लिक्विड है वो यहां तक है. इस लेवल तक है. और दूसरे लिम में इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का लिक्विड मिक्स किया गया था, या कोई और कलर ले लेते हैं, वो ये है. इस तरह की सिचुएशन. तो इसकी डेंसिटी मान लिया है रो वन, और ब्लू कलर का जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी मान लिया है रो टू. तो सबसे पहले आपको ये देख के अंदाजा लगाना है कि कौन सा हैवियर लिक्विड होगा, रो वन हैवियर लिक्विड होगा कि रो टू. रो वन की डेंसिटी, रो वन ज़्यादा है, रो वन की वैल्यू ज़्यादा है, रो वन की डेंसिटी ज़्यादा है कि रो टू की. तो जिसकी लिम में कॉलम की हाइट ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी कम होगी. तो रो टू की जो कॉलम में हाइट है वो ज़्यादा है, ज़्यादा ऊपर तक भरा हुआ है, और ये थोड़ा सा ऊपर तक भरा हुआ, और ये इक्विलिब्रियम में है. ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, कहीं कोई मूव नहीं कर रहा, लिक्विड मूव नहीं कर रहा, लिक्विड स्टेबलाइज हो चुका है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में आ चुका है. तो रो टू का कॉलम की लेंथ ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, रो वन के कॉलम की लेंथ कम है तो उसकी डेंसिटी हैवियर लिक्विड होगा, तभी थोड़ा सा भर के उसने रो टू के प्रेशर को बैलेंस कर लिया. तो कंसेप्ट ये होगा, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि मैंने एक पॉइंट यहां लिया है वन, और एक पॉइंट उसके सामने लिया है यहां पे टू, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि वन और टू पे प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा. तो वन और टू पे प्रेशर बिल्कुल सेम होगा. क्यों? अगर वन और टू पे प्रेशर सेम नहीं होता तो लिक्विड, अगर वन पे ज़्यादा होता प्रेशर, टू पे कम होता, तो लिक्विड वन से टू की तरफ मूव कर रहा होता, ये तो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है. अगर वन पे प्रेशर ज़्यादा होता, टू पे कम होता, तो लिक्विड वन से टू की तरफ मूव कर जाता, और तब तक मूव करता रहता कि जब तक कि वन और टू पे प्रेशर बराबर नहीं हो जाता. अगर टू पे प्रेशर ज़्यादा होता तो लिक्विड टू से वन की तरफ मूव कर रहा होता. अब ये रेस्ट में आ चुका है, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में आ चुका है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुकी है इसमें, तो वन और टू का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा. क्लियर? ठीक. अगर वन और टू का प्रेशर सेम है तो मैंने दो पॉइंट और लिए हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एक लिया ये थ्री और उसी के जस्ट सामने एक लिया ये पॉइंट फोर. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वन और टू का प्रेशर सेम है तो क्या थ्री और फोर का भी प्रेशर सेम होगा? तो सुनना, जैसे हम किसी लिक्विड में अंदर जाते हैं तो आपका रो जी एच प्रेशर बढ़ जाता है, वैसे ही अगर किसी लिक्विड में अगर हम बाहर की तरफ आएँ, ऊपर की तरफ आएँ, तो रो जी एच प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है. तो थ्री की जो वन से ऊपर हाइट है मान लिया वो एच वन है या स्मॉल एच ही है, और इसी तरह से टू से जो फोर की जो टू से हाइट है वो भी मान लिया स्मॉल एच ही है. तो अगर पी वन में से रो जी एच माइनस कर दें तो क्या ये पी थ्री नहीं बन जाएगा? ठीक. इसी तरह से पी टू में से अगर रो जी एच माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये पी फोर बन जाएगा. और रो कौन सा वाला रो है? तो रो टू वाला रो है, ये रो टू वाला रो है. तो वन और टू का प्रेशर बराबर है, ठीक है. क्यों बराबर है वो आपको समझ में आया, अगर बड़ा होता तो लिक्विड मूव कर जाता. इसी तरह से फोर और थ्री और फोर का भी प्रेशर बराबर होगा. क्यों? क्योंकि वन से जितना प्रेशर डिक्रीज करके आप थ्री पे पहुंचे हो, टू से उतना ही प्रेशर डिक्रीज करके आप फोर पे पहुंचे हो. सेम हाइट है, सेम डेंसिटी है, सेम लिक्विड है, इसीलिए प्रेशर का डिक्रीज भी सेम होगा. तो थ्री और फोर का भी प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम. पी थ्री इज इक्वल टू पी फोर. इतनी बात क्लियर है? ठीक. अब जरा थोड़ा और लेते हैं, कोई और पॉइंट लेते हैं. यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने फाइव और उसी के जस्ट सामने पॉइंट लिया मैंने सिक्स. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब फाइव और सिक्स का भी प्रेशर सेम होगा? तो वो नहीं सेम होगा. क्यों?
इसलिए क्योंकि 3 से 5 तक पहुंचने के लिए जो हाइट आप अटेन कर रहे हो एच डैश, वही हाइट आपने 4 से 6 तक पहुंचने के लिए अटेन की है एच डैश। लेकिन अंतर ये हो गया कि 3 से 5 तक पहुंचने के लिए आप मूव जो कर रहे हो वो किसी और लिक्विड में मूव कर रहे हो, और 6 तक पहुंचने के लिए जो आप मूव कर रहे हो वो किसी और लिक्विड रो 2 में मूव कर रहे हो। तो अगर मैं लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा, P5 जो है वो है आपका P3 माइनस ρ1 GH डैश, और इसी तरह से जो P6 लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा P4 माइनस ρ2 GH डैश। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों 5 और 6 पे प्रेशर बराबर नहीं है जबकि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है? तो इसमें प्रॉब्लम है ये ρ1 और ρ2, यहाँ P3 और P4 बराबर हैं कोई दिक्कत नहीं, एच डैश के बराबर है कोई दिक्कत नहीं, जी जी के बराबर है कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम यहाँ आ गई, एक में आ गया ρ1, एक में आ गया ρ2। एक में आप जो राइज कर रहे हो वो ρ1 डेंसिटी में राइज कर रहे हो, एक में जो राइज कर रहे हो वो ρ2 डेंसिटी में राइज कर रहे हो, इसीलिए 5 और 6 पे प्रेशर बराबर नहीं होगा। अच्छा, अगर बराबर नहीं होगा तो किसका ज़्यादा होगा? तो ये हमें डायग्राम देख के पता लग गया था कि ρ1 की डेंसिटी ज़्यादा है ρ2 से। तो ρ1 की डेंसिटी ज़्यादा है ρ2 से, इसका मतलब ये जो टर्म माइनस हो रहा है ये बड़ा होगा, इसका मतलब P5 कम हो जाएगा क्योंकि इसमें से एक बड़ा टर्म माइनस हो रहा है तब जब P5 आ रहा है, तब P3 में से एक बड़ा टर्म माइनस होकर P5 आ रहा है, और P6 के लिए उतना बड़ा टर्म माइनस नहीं हुआ है, इसका मतलब P5 जो है छोटा हो जाएगा P6 से। क्लियर? आप थोड़ा और समझ सकते हो, अगर मैंने 2 पॉइंट और लिए हैं यहाँ पे, एक पॉइंट ये लिया 7 और उसी के सामने एक पॉइंट ये लिया 8, इन पे भी बराबर नहीं है क्योंकि 7 के ऊपर तो सीधे एटमॉस्फेयर है, तो 7 पे जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, लेकिन 8 पे एटमॉस्फेयर के अलावा ये जो एटमॉस्फेयर है P0, इसके अलावा कुछ तो लिक्विड कॉलम है, तो 8 पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो जैसे हम हैवियर लिक्विड में अंदर घुसते हैं तो प्रेशर तेज़ी से बढ़ता है, वैसे ही हैवियर लिक्विड में बाहर निकलने पे प्रेशर तेज़ी से घटता भी है। तो एक साइड में आप हैवियर लिक्विड में राइज कर रहे हो, एक साइड में आप लाइटर लिक्विड में राइज कर रहे हो, तो हैवियर लिक्विड में प्रेशर तेज़ी से डिक्रीज करेगा, वहाँ प्रेशर तेज़ी से कम होगा बजाय के लाइटर लिक्विड के। तो वही यहाँ पे हुआ है, जैसे ही आप 3 पॉइंट से ऊपर उठे तो यहाँ प्रेशर तेज़ी से ड्रॉप करेगा और यहाँ प्रेशर उतना तेज़ी से ड्रॉप नहीं करेगा, इसलिए 5 का प्रेशर जो होगा वो 6 से कम होगा, 7 का जो प्रेशर होगा वो 8 से कम होगा। क्लियर? अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लिया एक यूट्यूब है, मान लिया एक ट्यूब है और इसमें 2 तरह के लिक्विड फिल हैं, एक तो मान लिया एक ग्रीन लिक्विड है, ये यहां तक फिल है, ग्रीन लिक्विड है ये यहां तक फिल है, और उसके ऊपर एक येलो लिक्विड फिल किया गया है वो यहां तक फिल है। अब मैं आपसे पूछूं किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, येलो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी ग्रीन की ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली अब ग्रीन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, येलो की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जिस लिम्ब में हाइट ज़्यादा है उस लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, जिस लिम्ब में हाइट कम है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है आपको वो सुनना है आपको। अब किन किन पॉइंट्स पे प्रेशर बराबर होता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 और 2 पे बराबर होता है, ठीक है, 3 और 4 पे बराबर होता है बस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये एक यूट्यूब रेस्ट में है, एट रेस्ट, अगर एक यूट्यूब रेस्ट में, तो उसमें सेम हॉरिजेंटल लेवल पे सेम लिक्विड में प्रेशर सेम होता है, सेम हॉरिजेंटल लेवल
सेम लिक्विड, प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात है कि जो सेम लिक्विड होना चाहिए, कनेक्टिंग होना चाहिए। कनेक्टिंग का क्या मतलब है, वो अभी आपको मैं समझाऊंगा। जो सेम लिक्विड है वो कनेक्टिंग लिक्विड होना चाहिए, और क्यू ट्यूब कहाँ होनी चाहिए आपकी, रेस्ट में, एसलेट करती हुई नहीं होनी चाहिए। अगर एसलेट कर जाए, मान लिया यू ट्यूब जो है इस तरफ, मान लिया ये एसलेट कर गई हो, तो अब वन और टू पे प्रेशर बराबर नहीं रहेगा। वन पे प्रेशर ज़्यादा होगा, टू पे प्रेशर कम होगा। तो पहली बात तो जो यूट्यूब होनी चाहिए वो रेस्ट में होनी चाहिए, एसलेट नहीं करनी होनी चाहिए। अगर एसलेट कर भी रही है तो अगर वर्टिकली एसलेट कर रही है तो हॉरिजेंटल सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वर्टिकल एसलेशन तो अलाउड हो सकता है कि वर्टिकली एसलेट कर सकती है, तो हॉरिजेंटल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही हॉरिजेंटल लेवल पे दो पॉइंट्स पे प्रेशर सेम रहेगा। तो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि जो यूट्यूब होनी चाहिए उसमें कोई हॉरिजेंटल एसलेशन नहीं होना चाहिए। ए एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। वर्टिकल एसलेशन चल सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हॉरिजेंटल एसलेशन नहीं है तो सेम कनेक्टिंग लिक्विड, सेम कनेक्टिंग का क्या मतलब है वो अभी समझ में आएगा। सेम कनेक्टिंग लिक्विड सेम कनेक्टिंग लिक्विड में सेम हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। सेम हॉरिजेंटल लेवल। अब ये कनेक्टिंग का क्या मतलब है जरा वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया इस तरह की एक यूट्यूब है, और मान लिया इसमें एक लिक्विड ये फिल किया गया है, ये लिक्विड फिल किया गया, और उसमें एक ब्लू कलर का बहुत ही डेंस लिक्विड भर दिया है यहाँ पे, बहुत ही डेंस, मतलब इतनी सी हाइट सफिशिएंट है उसकी इस कॉलम को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। और उसके अब बाद फिर से वही लिक्विड फिर से भर दिया, थोड़े थोड़ा सा अमाउंट में, ये यहाँ तक भर गया है, थोड़ा सा उठ गया और ऊपर ये भर दिया, इस तरह का ये सेटअप है, ठीक है। तो ये जो है ये ऑरेंज लिक्विड है, ये इसकी डेंसिटी कम है, ऑब्वियसली इसकी हाइट यहाँ तक उठी हुई है, और ये जो ब्लू लिक्विड भरा है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कि उसका थोड़ा सा ही अमाउंट ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि इस लिम में लिक्विड इतनी ऊपर तक राइज कर गया। उसके ऊपर मैंने फिर से थोड़ा सा ऑरेंज लिक्विड डाल दिया। अब मैंने अगर दो पॉइंट कंसीडर किए हैं यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर किया वन, और उसी के सामने हॉरिजेंटल लेवल पे दूसरा पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे टू, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या वन और टू में प्रेशर बराबर होंगे। देखते हैं क्या क्या कंडीशंस फॉलो कर रही हैं। ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, कोई आइसोलेशन नहीं है, अच्छी बात है। सेम हॉरिजेंटल लेवल पे सेम लिक्विड है, वो भी ये भी जो लिक्विड ही है वही लिक्विड ही है, लेकिन फिर भी क्या दोनों का प्रेशर बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। ऑब्वियसली टू पे प्रेशर ज़्यादा होगा, वन पे कम होगा। नहीं समझ में आता तो आप ऐसा और समझ लो कि अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया है थ्री, एक पॉइंट उसके सामने लिया है फोर, अब मैं आपसे पूछूं थ्री और फोर पे प्रेशर बराबर होगा, तो नहीं होगा बराबर। क्यों? क्योंकि थ्री पे तो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर, तो वहाँ तो एटमॉस्फेयरिक प्रेशर है, जबकि फोर के ऊपर तो एटमॉस्फेयर है और इतना सारा लिक्विड का कॉलम है, ठीक है। तो कनेक्टिंग का मतलब समझ में आया, यहाँ प्रेशर इसलिए बराबर नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये वाला जो लिक्विड है वो इस लिक्विड के साथ कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक दूसरा लिक्विड एंटर कर गया, इसीलिए ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए तभी प्रेशर सेम होगा। तो हॉरिजेंटल का एसलेशन जीरो होना चाहिए, सेम कनेक्टिंग, कनेक्टिंग का मतलब समझ में आया आपको कैसे, सेम कनेक्टिंग लिक्विड होना चाहिए, बीच में कोई और लिक्विड नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात सेम हॉरिजेंटल लेवल होना चाहिए, तब जो प्रेशर होंगे पॉइंट्स पे वो बराबर होंगे। P1 किसके बराबर होगा आपका, P2 के बराबर होगा, क्लियर। तो अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में इस लिक्विड की डेंसिटी, ये हैवियर लिक्विड होगा, इसकी डेंसिटी दे रखी है 3 रो, और इस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है रो। इंटरमीडिएट से ये हाइट दे रखी है आपकी H1, और ये हाइट आपसे पूछ ली है कि ये बता दो ये हाइट कितनी होगी H2। H2 फाइंड करना है आपको। तो बहुत सिंपल है कंसेप्ट, क्या लगाएंगे, वन और टू पे प्रेशर सेम है, थ्री और फोर पे प्रेशर सेम है, तो थ्री और फोर पे प्रेशर बराबर कर लेते हैं बस। थ्री पे प्रेशर कितना होगा, थ्री पे प्रेशर,
तो जो थ्री वे प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस, डेंसिटी रो है जी और हाइट कितनी है एच टू, और फोर वे प्रेशर कितना होगा, तो फोर वे प्रेशर होगा पी नॉट प्लस डेंसिटी है थ्री रो इंटू जी इंटू हाइट कितनी है एच वन। बस सॉल्व हो गया, आपसे एच टू पूछा है एच टू निकल आया, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद रो जी से रो जी कैंसिल आउट हो गए, तो एच टू जो आ गया आपका वो कितना निकल गया है थ्री टाइम्स एच वन। तो YouTube में इम्पोर्टेंट बात बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा और किन पॉइंट पे प्रेशर बराबर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटिंग YouTube।